सो so, आज का टॉपिक जो है वो बेसिकली हमारा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जिसको तो हम मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ uh, भी कहते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में बेसिकली कंपनीज़ नॉर्मली वट दे डू दे नेवर कीप द कैश विद दैम बल्कि उसकी जगह पर वो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में सो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़्यादा आपको बेनिफिट देती है इन टर्म्स और जैसे उस पर हमें डिविडेंड मिल जाता है प्लस उसके बाद हमें उस पर इंटरेस्ट मिल सकता है प्लस ये है कि अगर आपकी वो जो सिक्योरिटीज़ आपने जिसमें इन्वेस्ट किया हुआ है अगर वो मार्केट के अंदर जो है आप सेल आउट करते हैं तो आपको उससे ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है तो नॉर्मली कंपनीज़ जो है अपने पास कैश कम रखती हैं उसके बजाय उसे मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर देती हैं बिकॉज मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ जो हैं हाईली लिक्विड एसेट्स हैं और आप उनको उसी वक्त इमिजिएटली सेल कर सकते हैं सो इसके एग्जांपल जो है, किसी हैं किसी कंपनी के बॉन्ड्स हैं उसके बाद किसी कंपनी के शेयर्स हैं जिसमें आप लोग इन्वेस्टमेंट जो है कर सकते हैं तो आज बेसिकली हम ये देखेंगे कि हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को कैसे अकाउंटिंग में ट्रीट करते हैं तो शॉर्ट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो है उसके लिए अकाउंटिंग में हम बेसिकली चार तरह की एंट्रीज पास करते हैं अकाउंटिंग फॉर मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ उसमें पहला है जी परचेज़ ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ तो परचेज़ ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ जब भी आप मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ परचेज करेंगे तो उसमें बेसिकली आप उसको जिस प्राइस परचेज करेंगे आप उस प्राइस पर, पर उसको उस लिखेंगे सो so, पहली एंट्री आएगी मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ डेबिट और कैश क्रेडिट इसके अमाउंट जो है आपको दी होगी क्वेश्चन के अंदर जैसे उसने कहा है टू स्टेट अज्यूम दैट द फोस्टर कॉरपोरेशन परचेज द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट फोर थाउजेंड शेयर्स ऑफ द कोका कोला कंपनी ऑन दिसंबर फर्स्ट फोस्टर पेड फोर्टी थ्री पॉइंट नाइन एट पर शेयर प्लस ब्रोकरेज जब भी आपके पास आएगा ये तो आप जो है पर शेयर उसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ शेयर के साथ और उसके बाद जो कमीशन आपने पेड किया उसको उसमें ऐड कर देंगे तो टोटल अमाउंट जो भी आएगी उसके साथ आप ये एंट्री पास कर देंगे मार्केटल सिक्योरिटी आपका एसेट है एसेट में इंक्रीज हो रहा है तो आपने उसको डाइबर्ट कर दिया प्लस कैश इज़ आल्सो एसेट और एसेट में डिक्रीज़ हो रहा है तो आपने उसको क्रेडिट कर दिया अब ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ आपने परचेज़ कर ली हैं मार्केटेबल सिक्योरिटी एसेट है तो एसेट साइड पे बैलेंस शीट में आ जाएगा दूसरी साइड पे कैश में से माइनस हो जाएगा उसके बाद जो है रेकग्निशन ऑफ इन्वेस्टमेंट रेवेन्यू आप जब भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उस पर दो तरह की होगा या तो अगर आप बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको उस पर इंटरेस्ट मिलेगा अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो सूरत में आपको वहाँ से डिविडेंड मिलेगा सो रिकग्नीशन ऑफ इन्वेस्टमेंट रेवेन्यू दो तरह के हैं अगर तो हम इसको इन्वेस्ट करते हैं बॉन्ड्स में तो उस सूरत में हमें इंटरेस्ट मिलेगा और अगर हम लोग इसको इन्वेस्ट करते हैं शेयर्स में तो उस सूरत में हमें इस पर मिलेगा डिविडेंड तो दोनों सूरतों में इंटरी सेम होगी कैश डेबिट बिकॉज हमें डिविडेंड या इंटरेस्ट कैश की सूरत में मिलेगा तो कैश डेबिट हो जाएगा और उसके बाद डिविडेंड रेवेन्यू क्रेडिट हो जाएगा अब डिविडेंड रेवेन्यू की जगह पे अगर तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा तो सूरत में हम लोग करेंगे इंटरेस्ट रेवेन्यू तो जो क्वेश्चन ज़्यादातर दिए हुए हैं हमारे पास बुक के अंदर उसमें सब में डिविडेंड हमें मिला है तो हम लोग डिविडेंड कर लेंगे और इसके अमाउंट कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि हमने अभी परचेज़ किए थे फो शेयर्स फोर शेयर्स थे और फी पर हमें डिविडेंड मिल रहा है द कॉरपोरेशन रिसीव पॉइंट पर शेयर डिविडेंड तो इनको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास जो है ट्वेल्व आ जाएगा ये बेसिकली रिकगनीशन की एंट्री है तो पहली परचेज की एंट्री थी दूसरी हमारे पास रिकगनीशन ऑफ इन्वेस्टमेंट रेवेन्यू है और उसके बाद आ गया इसकी सेल तो सेल में बेसिकली दो तरीके हो सकते हैं या सेल हम करेंगे गेन पर या फिर हम करेंगे लॉस पर तो दोनों में जो हमारी परचेज प्राइस है अगर हम उससे अबव सेल करेंगे तो सूरत में हमारे पास आ जाएगा गेन और अगर हम उससे लो पर सेल करेंगे तो सूरत में हमारे पास आ जाएगा लॉस तो पहला केस है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एट गेन मीन्स जो इन्वेस्टमेंट हमारे पास है उसको तो हमने गेन पर सेल कर दिया है तो कहता है फोस्टर कॉरपोरेशन सेल्स 500 हंड्रेड शेयर्स ऑफ कोका कोला स्टॉक ऑन दिसंबर 18 फॉर 46 हमने जो परचेज किया है यहाँ पर ये बनता है 44 फौर पे तो हमने जो सेल किया है वो है 46 पर तो इट मीन्स कि आप गेन पर सेल कर रहे हैं अच्छा लेस 20 ब्रोकरेज चार्जेस जितना भी ब्रोकरेज चार्जेस आएगा वो आपने लेस करके लिखना है बिकॉज वो आपको नहीं मिलेगा सपोज मैंने सेल किया है वन थाउजेंड का उसमें से हंड्रेड मुझे देने पड़ गए हैं ब्रोकरेज चार्जेस तो हंड्रेड लेस करने के बाद बाकी आपके पास आएगा तो इसको अगर हम देखते हैं तो आपके सामने है कि फाइव हंड्रेड शेयर हमने सेल किए हैं और एक शेयर हमने परचेज किया हुआ था फोर्टी फोर पर हमने सेल किया है फ़ोर्टी सिक्स पर तो इसकी एंट्री हो जाएगी कैश डेबिट मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ क्रेडिट और गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्रेडिट जो गेन है वो हमारा प्रॉफिट है या रेवेन्यू है और रेवेन्यू ऑलवेज क्रेडिट होता है इसलिए वो क्रेडिट हो जाएगा अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए कैश है आपने 46.05 सिक्स पॉइंट जीरो सेल किए और 500 शेयर सेल किए हैं इसको मल्टीप्लाई कर लें और उसके बाद इसमें से 20 जो आपने ब्रोकरेज चार्जेस दिए हैं वो माइनस कर दें तो ये बन जाएगा फोर्टी ट्वेंटी थ्री थाउजेंड उसके बाद जो आपने अनिशली ख़रीदा था वो था 44 पे तो 44 फोर इंटू फाइव हंड्रेड जो आपने परचेज़ किए वो थे ये बनते हैं ट्वेंटी टू थाउजेंड तो बाकी जो वन थाउजेंड का डिफरेंस आएगा ये बेसिकली आपका गेन आ जाएगा तो कैश ड्राइवर ट्वेंटी थ्री थाउजेंड से मार्केटेबल सिक्योरिटीज जिस प्राइस से आपने ख़रीदी होगी उसी से आप लिखेंगे वो आ गई ट्वेंटी टू थाउजेंड और गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आ गया वन थाउजेंड उसके बाद है इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट अ लॉस अगर आप इन्वेस्टमेंट जो हैं वो अपनी कॉस्ट प्राइस जिस प्राइस से आपने ख़रीदी है उससे कम पे बेचेंगे तो ऑब्वियसली आपको लॉस होगा लॉस एक्सपेंस है और ऑलवेज डेबिट होते हैं इसलिए ये लॉस डेबिट हो जाएगा तो यहाँ पे कहता है कि एज्यूम दैट दैल्स एडिशनल ट्वेंटी फाइव हंड्रेड शेयर्स टोटल हमने चार हज़ार शेयर खरीदे बेच खरीदे थे उसमें से वन थाउजेंड हमने फाइव हंड्रेड यहाँ पर सेल किए हैं और ट्वेंटी फाइव हंड्रेड हमने यहाँ पर किए हैं तो स्टिल आपके पास वन थाउजेंड शेयर बच जाएंगे तो कहता है ट्वेंटी फाइव हंड्रेड शेयर्स जो हैं कोका कोला स्टॉक के आपने फ़ोर्टी पे सेल कर दिए अगर आपको याद हो तो पहले हमने अभी फोर्टी फोर अभी एग्जाम्पल में पढ़े हैं कि फोर्टी फोर के आपने परचेज़ किए थे और हम सेल कर रहे हैं वो है फोर्टी पॉइंट ज़ीरो वन पर तो इसका मतलब इसमें लॉस होगा तो इसको इंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं हम लोग अभी ज़रा कैलकुलेट कर लेते हैं आपने जो परचेज़ किए थे वो थे फोर्टी फोर इंटू ट्वेंटी फाइव हंड्रेड जो ये आपने ट्वेंटी फाइव हंड्रेड अभी बेच रहे हैं तो ये बन गया वन लाख टेन थाउजेंड उसके बाद सेल जो आपने किए हैं वो हैं फोर्टी पॉइंट जीरो वन मल्टीप्लाइड ट्वेंटी फाइव हंड्रेड शेयर्स और आपने इस पर कमीशन पे किया 25. ट्वेंटी फाइव तो कमीशन हमेशा मा, माइनस होगा तो इसको तो मल्टीप्लाई करके आपने किया और ट्वेंटी फाइव माइनस किया तो आपके पास आ गया ये वन हंड्रेड थाउजेंड तो आपने परचेज़ किए थे एक लाख दस हज़ार के और जो आपने सेल किए हैं वो किए हैं एक लाख के तो आपको दस हज़ार का लॉस हो गया तो इसमें बेसिकली आपके पास कैश डेबिट है लॉस ऑन सेल ऑफ़ इन्वेस्टमेंट जो है वो डेबिट है और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ जो है एक लाख दस हज़ार से क्रेडिट है जो चौथी एंट्री आती है बेसिकली चौथी इंट्री में आपने ये देखना है कि जो आपके पास शेयर्स बच गए हैं उनको आपने करंट जो मार्केटल सिक्योरिटीज़ की वैल्यू है उसके मुताबिक एडजस्ट करना है तो करंट वैल्यू जो है वो आपकी मार्केट के अंदर इस वक्त आपके इन शेयर्स की कितनी है तो उसके मुताबिक एडजस्ट करेंगे बिकॉज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो है ये बेसिकली हम लोग बैलेंस शीट में लिखते हैं और इस पर जो हमारा फार्मूला लगता है वो बेसिकली अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने बताया था कि जो हमारे पास इन्वेंट्री है इनको हम हमेशा रिसेंट मार्केट प्राइस पर लिखते हैं जो हमारे पास इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू है उसके मुताबिक बताया था कि इनको हम हमेशा रिसेंट मार्केट वैल्यू पर लिखते हैं और इसमें मैंने एल रूल बताया था लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्किटल वैल्यू जिस पर कम हो तो उस पर हम लोग लिखते हैं इसके लिए उसने वर्ड लिखा है दिस वैल्यूएशन प्रिंसिपल इज कॉल्ड मार्क टू मार्केट मार्क टू मार्केट के से मुराद ये है कि आपने मार्केट के मुताबिक इसको तो एडजस्ट करना है सो so उसमें या तो आएगा अनरियलाइज होल्डिंग गेन या फिर अनरियलाइज होल्डिंग लॉस आएगा क्यों आएगा अनरियलाइज बिकॉज आपने सेल नहीं किए इसलिए ये वर्ड है अन रियलाइज से सम्राज होता है जो आपने गेन कर लिए हैं या आपने प्रॉफिट कमा लिया है और अनरियलाइज से सम्राज क्या है कि फ्यूचर में जो आपका गेन होना है या आपको लॉस होना है तो बेसिकली इसकी एंट्री होगी अब यहाँ पे बेसिकली आपने वो परचेज़ किए थे फोर्टी फोर थाउजेंड के इस वक्त उसकी वैल्यू होगी फोर्टी टू थाउजेंड तो आप बेसिकली जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को तो आप लोग एडजस्ट कर देंगे तो टोटल हमारे पास शेयर बचे हैं वन थाउजेंड और ये जो प्राइस कम हुई है वो हुई है दो तो ये टोटल बन गया टू थाउजेंड और यहाँ पर फोटी फोर का पहले था और फोर्टी फोर का अब फोर्टी टू का अब रह गया है तो इसमें बेसिकली दो रुपए का आपको दो डॉलर का लॉस हुआ है नंबर ऑफ शेयर हमारे पास है वन थाउजेंड तो उस मल्टीप्लाई करके आपकी अमाउंट आ गई टू थाउजेंड तो लॉस हुआ है लॉस हमेशा डेबिट होता है अनरियलाइज होल्डिंग लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट डेबिट और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ क्रेडिट तो बेसिकली हमने यहाँ पर चार एंट्रीज की हैं उसमें पहली एंट्री परचेज की है दूसरी एंट्री हमने बेसिकली उसमें जो हमें उस पर एनुअल डिविडेंड रिसीव होगा उसकी एंट्री की है थर्ड पे हमने उसके सेल की एंट्री रिसीव की है और चौथे नंबर पे हमने एडजस्टिंग एंट्री पास की है उसको तो मार्क टू द मार्केट करने के लिए तो ये बेसिकली चार एंट्रीज आपने रिकॉर्ड करनी है और उसको तो रिमेम्बर करना है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन करेंगे